वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। वीकेंड स्पेशल वीडियो है जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं पूरे नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, एंड कैसे हमें ओवरऑल मूव देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। निफ्टी न्यू लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं तो न्यू लेवल्स आपको अपडेट करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओवरऑल कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप ऐसी वीडियोस डेली मिस ना करें। तो चलिए आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट पे। फ्राइडे हम कोई एनालिसिस नहीं लाए थे तो देखते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे को कैसी ओवरऑल हमें मार्केट देखने को मिली। तो निफ्टी में देखेंगे तो मार्केट ने लेवल्स पे काफी अच्छे से वर्क किया। अगर आप ओवरऑल देखेंगे निफ्टी में एक्सपायरी वाले डे हम आपको क्या बताते हैं, एवरी 50s लेवल पे वर्क होता है मार्केट में और वैसा ही वर्क होते हुए देखा आपने। देखिए ऐसे एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को मार्केट में एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई। अपसाइड से जब डिप आया मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ सपोर्ट लिया, 17,100। उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली, रैली में हमने 17,150 को ब्रेक किया। लेकिन डिप में दोबारा वही लेवल ब्रेक होने के बाद क्या वर्क करता है, एज अ सपोर्ट का, फिर उसने एज अ सपोर्ट का वर्क किया और वहां से फिर हमें एक कंटिन्यूस रैली देखने को मिली जिसने 17,200 ने भी एज अ रेजिस्टेंस का वर्क किया। एंड जब वो ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट हमने 17,250 तक मार्केट को जाते हुए देखा। तो ये एक्सपायरी वाले डे की मार्केट थी जहां बहुत अच्छा बुल रन हमें देखने को मिला था, कंटिन्यूस हमने अप मूव देखा था, सिंगल डायरेक्शन में ही मार्केट को मूव करते हुए देखा और परफेक्टली लेवल पे ही मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंसेस दिए थे। फ्राइडे को कैसी मार्केट देखने को मिली, फ्राइडे को काफी वॉलेटाइल मार्केट थी। ऐसा नहीं था जैसे थर्सडे को हमें सिंगल वन साइडेड मूव देखने को मिले, ऐसी मार्केट नहीं थी, बोथ साइड हमें मूव देखने को मिले। देखिए अपसाइड का आपके पास लेवल नहीं था, ये बिल्कुल हम एग्री कर सकते हैं कि ये जो लेवल है ये हमने फ्रेश मार्क किया, अपसाइड आपके पास लेवल नहीं था। लेकिन लोअर साइड बाइंग कहाँ होगी, कहाँ सपोर्ट था, ये आपको परफेक्टली पता था। 17,225 लेवल हमने बहुत क्लियरली आपको बताया हुआ था जहाँ प्रीवियस ऑलमोस्ट हमने लाइफ टाइम हाई लगाया था। थर्सडे को भी मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी थी, इस पे सपोर्ट लिया था डे एंड में। लास्ट हाफ एन आवर में आप देखेंगे मार्केट ने कंटिन्यूस इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, क्लियर कट हमने यही देखा था। उसके बाद फ्राइडे को परफेक्टली लेवल वर्क करता है, बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली लेकिन अपर लेवल से आया सेल ऑफ मार्केट में। अब मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ कि फ्राइडे को कैसी मार्केट देखने वाली, अपर लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके सेल ऑफ दिया। ये लेवल हमारे पास अपडेटेड नहीं था, फिर से मैं बता रहा हूँ ये न्यू लेवल मार्क किया। लेकिन लोअर साइड ये जो लेवल है ये परफेक्टली आपको प्रीवियसली बताया हुआ था 17,225 और आपको पता था ये ब्रेक होने के बाद क्या वर्क करेगा एज अ सपोर्ट का, परफेक्टली एज अ सपोर्ट का वर्क किया और यहाँ से क्लियर कट रैली हमें देखने को मिली। फर्स्ट टाइम भी ट्रेड मिला एंड सेकेंड टाइम फिर इसके पास आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहां से फिर एक बार गजब की रैली दिखाई और हमने न्यू लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे निफ्टी को क्लोज होते हुए देखा है। दो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, ये जो हमें रैली देखने को मिल रही है इसमें बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ये ओवरऑल मार्केट थी जहां फिर से लेवल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब आपको न्यू लेवल्स भी अपडेट करेंगे, फ्राइडे को ज्यादा लेवल्स नहीं थे लेकिन अब रिसर्च के बाद हम आपके लिए न्यू लेवल्स लाए हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक लेवल तो हमें क्लियर कट मिल ही रहा है इंट्राडे मार्केट से जहां परफेक्टली इसने फ्राइडे को वर्क किया था और ये लेवल क्या है पहला 17,310। अब मार्केट इसके अबव है तो ये क्या वर्क करेगा एज अ सपोर्ट का, बिल्कुल सही, मार्केट जिस लेवल के अबव होती है वो एज अ सपोर्ट का वर्क करता है। तो 17,310 जिसने फ्राइडे को एज अ रेजिस्टेंस का वर्क किया था मल्टीपल टाइम्स वो अब मार्केट के लिए बन चुका है सपोर्ट क्योंकि मार्केट इसके अबव क्लोज हुई है। तो पहला मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 17,310 और उसके बाद लोअर साइड सपोर्ट वही लेवल जिसने फ्राइडे को भी मार्केट को अच्छे से सपोर्ट दिया था और जहां से हमें रिवर्सल और अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था मार्केट में 17,225। तो ये दोनों लेवल होंगे आपके इंट्राडे मंडे के लिए सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, अभी तक मार्केट न्यू लेवल्स पे वर्क कर रही है, अपसाइड इनसे अबव कहीं गई ही नहीं है तो फिर भी क्या लेवल आ रहा है, फिर भी हम आपके लिए एक न्यू इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे हम आपके लिए जोन बना रहे हैं, यहाँ पे सिंगल लेवल नहीं है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश लेवल पे तो हमें स्लाइटली 10-50 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ आपके लिए जोन बनाया है। मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है वैसे 17,420, इसके अबव अब फ्रेश ब्रेकआउट निफ्टी में हमें इस लेवल के अबव मिलेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ इसका लॉजिक भी अभी आपको समझाऊंगा, हम रेंडम आपको कोई लेवल्स नहीं अपडेट करते हैं, उसका लॉजिक भी अभी आपको बताएंगे। लेकिन आपको लेवल जरूर याद रखना है कि फ्रेश ब्रेकआउट निफ्टी में अब 17,420 के अबव आएगा। अभी जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,400 से 17,420 मंडे के लिए भी एंड वीक के लिए भी। अगर ये जोन ब्रेक होता है
तो फिर से ये बुल रन ऐसे ही कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे हम मार्केट में एक रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रही है मार्केट में, ठीक है। तो होप आपको लेवल क्लियर हो चुके हैं। दो सपोर्ट लेवल 17,310 एंड 17,225, ये दोनों सपोर्ट लेवल्स है। रेजिस्टेंस एक हमारा जोन निकल के आता है 17,400 से 17,420। अब इसका लॉजिक बताते हैं आपको कि ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो ये देखिए, ये है हमारा निफ्टी का आवरली चार्ट। अब जो हमारी अगस्त की सीरीज थी, वहां पूरी अगस्त की सीरीज में हमने मार्केट को इस चैनल में वर्क करते हुए देखा है। लोअर ट्रेंड लाइन से हर बार मार्केट में सपोर्ट मिला है और अपर ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस की है। लास्ट 1 मंथ की हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस हमने देखा है। अभी भी जो रिसेंट हाईज लगाए थे, जहां से थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला था, मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन को अब टेस्ट किया था। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो है, तो ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे निकल के आ रही है, 17,400 के आसपास, ठीक है। और अपवर्ड स्लोपिंग है, तो आप 400, 420 तक ये जोन हमने आपके लिए बताया है, जो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। और उसका लॉजिक क्या है कि आवरली चार्ट में मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस अपर ट्रेंड लाइन से फॉल दिया है हमें, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अभी भी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन में इस लेवल पे निकल के आती है। और अगर वो ब्रेक होगा तो हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे और एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। लोअर साइड सपोर्ट थोड़ा डीप है, अभी ऑलमोस्ट 17,000 लेवल के पास है। तो आपको बेरिश कब होना है, जब 17,000 मार्केट में लेवल ब्रेक होता है, तब हमें ट्रेंड में चेंज दिखेगा। अदरवाइज हम इस चैनल में क्लियर कट वर्क कर रहे हैं। तो होप आपको इस चैनल के थ्रू पूरे वीक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट लेवल है 17,000 और रेजिस्टेंस इंट्राडे मंडे के लिए भी वही है और पूरे वीक के लिए भी वही है, 17,400 से 17,420। ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इससे वो लेवल निकल के आ रहा है क्लियरली, और ये हमारा आवरली चार्ट है, ठीक है। तो होप आपको सिंपली लेवल क्लियर हो चुके होंगे निफ्टी के चार्ट्स पे। अब चलते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, उसके थ्रू हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है। तो ऑप्शन चेन देखेंगे, अभी मार्केट 17,300 के आसपास है, यहाँ पे कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशंस हमें देखने को मिल रही है। इंट्राडे में पुट साइड ज्यादा पोजीशन ऐड हुई है और ओवरऑल देखेंगे तो स्लाइटली कॉल साइड ज्यादा पोजीशन है, लेकिन कोई बहुत मेजर गैप नहीं है। तो 17,300 पे कोई क्लियर कट व्यू अभी मार्केट में निकल के नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, वही लेवल जो हमें चार्ट्स पे भी दिख रहा था, 17,400। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर है मार्केट में, यहाँ पे देखिए ओवरऑल कॉल साइड पोजीशन है ऑलमोस्ट 45,000 एंड इसके कंपैरिजन में पुट साइड है ओनली 5,000। तो एक अच्छा डिसेंट 40,000 का ओआई का गैप मिल जाता है, जबकि फ्राइडे को बहुत ज्यादा पोजीशंस कैरी नहीं होती है वीकेंड्स की वजह से, ये हमने आपको पहले भी बताया, फिर भी एक अच्छा डिसेंट गैप मिल रहा है 17,400 पे। तो 17,400 क्लियर कट मल्टीपल पॉइंट से हमें पता लग रहा है कि एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा मंडे को। सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है इमीडिएट 17,200 पे, जहां पे काफी डिसेंट हुआ है हमारा पुट साइड 59,000। इंट्राडे में भी अच्छी पोजीशंस ऐड हुई है 13,000 एंड कंपेयर करें कॉल से अनवाइंडिंग देखने को मिली इंट्राडे फ्राइडे में, और साथ साथ हमें ओवरऑल ओआई जो है बहुत ज्यादा नहीं है 23,000 है, तो यहाँ पे भी काफी डिसेंट 35,000 अबव हमें गैप मिल जाता है। तो मेजर सपोर्ट मंडे के लिए 17,200। चार्ट्स पे लेवल क्या है हमारा 17,225, लेकिन ऑप्शन चेन में 17,200 और रेजिस्टेंस कहाँ है 17,400, जो चार्ट्स पे भी सेम लेवल है और हमारी ऑप्शन चेन पे भी सेम ही लेवल निकल के आ रहा है। तो होप आपको निफ्टी के क्लियर कट लेवल क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल न्यू लेवल्स पे बात कर रहे हैं, फिर भी बेस्ट पॉसिबल लेवल्स है वो यही है, इन्हें अपने चार्ट्स पे जरूर मार्क करके रखें, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम, जिसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई फ्राइडे को और बैंक निफ्टी में हमें मार्केट को स्ट्रगल करते हुए देखा। सबसे पहले एक्सपायरी वाले डे की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिला था। तो बैंक निफ्टी में तो बहुत प्यारा ट्रेड था, ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग हुई 35,500। बहुत क्लियरली हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट है, प्रीवियसली बहुत अच्छे से इस लेवल ने एज अ रेजिस्टेंस का भी वर्क किया, आप देख सकते हैं क्लियर कट, ठीक है। और जो वेडनेसडे वाली मार्केट थी, वहां भी हमने डे लो यहीं पे बनाया था, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लेके रैली दी थी, और जब दोबारा डिप आया था तब फिर से हमने लेवल पे ही वर्क किया था और डे लो हमने यहीं पे बनाया था। तो बहुत प्यारा ट्रेड था आपके पास एक्सपायरी डे वाले दिन बैंक निफ्टी में 36,500, परफेक्ट बाइंग पॉइंट, वहां पे आप बाइंग करते, और टारगेट भी आपके पास बहुत सिंपली बहुत प्यारा टारगेट था
300 पॉइंट्स का। आप देखिए सिंपली एक क्लियर कट रैली देखने को मिली, कहां तक 36,800। 300 पॉइंट्स एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे होते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को फर्स्ट 5 मिनट में एक बहुत शार्प कैंडल बनी जिसमें हमने 37,000 लेवल को भी ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके बाद देखिए फर्स्ट 5 मिनट में तो गजब की कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद मार्केट यहीं पे जो इस कैंडल का डे हाई था के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी और वहां से फिर हमें रिवर्सल देखने को मिला, क्लियर कट रिवर्सल। और 35,800 यहाँ भी एज ए रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था। जब फ्राइडे को ब्रेक हो गया लोअर साइड, देखिए फिर से गजब की चीज, जब फ्राइडे को लोअर साइड ब्रेक हो गया फिर से एज ए लेवल रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, मल्टीपल टाइम आपको दिख रहा है और डे एंड में क्लोजिंग भी हमारी इस लेवल के आसपास ही आई है। तो ये इंट्राडे मार्केट की बात हुई, थर्सडे एंड फ्राइडे की आगे के लिए क्या लेवल्स हैं और कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है। देखिए बैंक निफ्टी हर बार की तरह सेम स्टोरी चल रही है, निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई लगाते जा रहा है। बैंक निफ्टी हर बार दिखाता है कि इस बार ब्रेकआउट के बाद गजब की हमें रैली दिखाएगा, लेकिन हर बार वही सेम स्टोरी, निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई लगाता जा रहा है और बैंक निफ्टी फिर रेंज में स्टक हो जाता है, यहाँ हमें पुल बैक देखने को मिलता है। ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या था, 37,000, वो हमारा अचीव हो चुका है। अब फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा 37,000 के अबव, 37,000 के अबव क्लोजिंग आएगी तो अब बैंक निफ्टी में फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी ऐसे ही फिर से कंसोलिडेट हो सकता है। और तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है 37,000, वो आपको याद रखना है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मंडे के लिए। उसके अलावा क्या लेवल्स हैं, उसके अलावा अपसाइड रेजिस्टेंस आएगी 37,000 के बाद 37,200। तो ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं 37,000 एंड 37,200 सपोर्ट लेवल्स का है। सपोर्ट 36,800 मार्केट के इसी के आसपास क्लोजिंग आई है, तो ये पहला सपोर्ट लेवल बन जाता है मार्केट के लिए, परफेक्टली एज अ रेजिस्टेंस का भी वर्क किया और मार्केट अगर इसके अपसाइड ओपन होती है तो आप इसको एज अ सपोर्ट का भी वर्क करते हुए देखेंगे मार्केट में। तो पहला सपोर्ट 36,800 एंड इन केस ब्रेक होते हैं तो हम कहां तक फॉल हो सकते हैं, कहां पे हमारा सपोर्ट आएगा, आपके पास वो लेवल है बिल्कुल सही 36,500 जिसने लास्ट 3 डेज में बहुत परफेक्टली वर्क किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 36,500 मंडे के लिए। तो दो सपोर्ट लेवल 36,800 एंड 36,500, रेजिस्टेंस 37,000 एंड 37,200। जैसे हमारे पास बैंक निफ्टी में एक डिफरेंट चार्ट पे एक चैनल बन रहा था, वैसा ही कुछ एनालिसिस हम आपके लिए बैंक निफ्टी में भी लाए हैं कि जहां पे अभी बैंक निफ्टी है क्यों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन तो याद होगी जिसे ब्रेक करने के बाद हमें आपको बताया कि ब्रेकआउट मिल चुका है और 37,000 तक मार्केट जानी चाहिए जहां तक परफेक्टली मार्केट गई थी। अब ये ट्रेंड लाइन क्या वर्क करेगी एज अ सपोर्ट का, तो पूरे वीक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, मंडे के लिए लेवल तो हमने आपको बता दिया है लेकिन ट्रेंड बुलिश है अभी, बेयरिश ट्रेंड कब होगा, कब मार्केट में हमें एक मेजर डाउन मूव देखने को मिलेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, तो उसके लिए इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 36,050 के आसपास। तो आप 36,000 राउंड फिगर को ही कंसीडर कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीक के लिए सपोर्ट लेवल होगा 36,000। और उसका रीजन क्या है, ये ट्रेंड लाइन जिसने प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को ली, लेकिन अब कोई डिप आता है तो ये एज अ सपोर्ट का वर्क करेगी, इसके बिलो ही मार्केट बेयरिश होगी। इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पूरे वीक के लिए 36,000। रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस कहां से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन कहां है, तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन भी कंटिन्यूस मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लेवल क्या निकल के आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग लेवल निकल के आ रहा है 37,200, ठीक है 37,200। और ये हमारा कौन सा चार्ट है, 30 मिनट का चार्ट है, तो आपको 30 मिनट चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 36,000 और इंपॉर्टेंट पूरे वीक के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 37,200। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सिंपलेस्ट वे में आपको बताने की कोशिश की है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट एनालिसिस है, सब कुछ आपके सामने है, क्लियरली हमने आपको बताया कहाँ से लेवल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सब कुछ लॉजिक के साथ हमने आपको बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हेजिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट हेजिंग बैच 13 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम आपको लाइव ट्रेड्स के साथ हेजिंग सिखाते हैं, तो उसका पार्ट बनने के लिए आप सिंपली हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है वहां भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर उसे भी ज्वाइन कर ले, एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही परफेक्ट मैजिकल डेली हम आपके लिए
लेवल्स लेके आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, 500 लाइक्स का टारगेट है, होप आप कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।